हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे LSPL के कमांड के बारे में, LSPL के कमांड का यूज़ कैसे करते हैं और LSPL के कमांड से हमें क्या क्या डिटेल्स मिलते हैं। तो मैं सबसे पहले LSPL के कमांड के ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ, उसके क्या क्या ऑप्शन हैं, उसमें हमें क्या क्या डिटेल्स मिलते हैं, उसके बाद मैं इसको यूज करके दिखा दूँगा। और उसके सिंटैक्स होती है LSPL के, उसके बाद ऑप्शन, अगर आप किसी डिवाइस के बारे में देखना चाह रहे हो तो यहाँ पर डिवाइस का नाम, जैसे आप LSPL के हाइफन ए चलाओगे तो वहाँ पे ऑल डिवाइस की इंफॉर्मेशन देगी आपको। उसके बाद LSPL के हाइफन एल करोगे तो वहाँ पे लिस्ट कर देगा आपको सारे डिवाइस की। इसका डिटेल्स में हम लोग आगे में देखेंगे। अगर आप सिर्फ LSPL के कमांड चलाओगे तो इस तरह का आपको आउटपुट आएगा। यहाँ पे हमें क्या क्या डिटेल्स मिल रहे हैं, पहला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्क का डिटेल्स दे रहा है, यहाँ सीडी रोम का डिटेल्स दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे आता है, ये मेजर नंबर होता है, ये माइनर नंबर होता है। ये पहले मेजर नंबर दिखा रहा है, इसके बाद यहाँ पे माइनर नंबर दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है आरएम, आरएम होता है हमारा रिमूवल डिवाइस होता है। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे साइज, ये यहाँ पे साइज की डिटेल्स दे देगा हमें। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है आरओ, ये हमारा रीड ओनली डिवाइस होता है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है टाइप, यहाँ टाइप कौन सी है वो हमें बताएगा, ये डिस्क है, ये यहाँ एलबीएम है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये रोम दिखा रहा है, ये सीडी रोम है हमारा। उसके बाद यहाँ पे माउंट पॉइंट का डिटेल्स दे देगा। अगर आप LSPL के हाइफन बी चलाओगे, हाइफन बी से हमें ये बाइट साइज में प्रिंट करेगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये साइज हमें ये बाइट में बता रहा है, ठीक है। बाकी आउटपुट हमारा सेम ही है, यहाँ पे माउंट पॉइंट डिटेल्स दे रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, अगर आप LSPL के हाइफन एम चलाओगे तो इस तरह का आउटपुट आएगा आपको। यहाँ पे हमें क्या क्या डिटेल्स मिल रहे हैं, यहाँ पे ये डिवाइस नेम आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे साइज आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे ये ओनर बता रहा है किसके ओनरशिप में है, उसके बाद ये ग्रुप बता रहा है, उसके बाद यहाँ पे ये मोड बता रहा है, यहाँ पे ये हमें ये डिवाइस की परमिशन बता रहा है। हाइफन एम से हमें ये परमिशन दिखाता है। उसके बाद आप LSPL के हाइफन ऐप चलाओगे तो इस तरह का आपका आउटपुट आएगा। यहाँ पे हमें क्या क्या डिटेल्स मिल रहे हैं, यहाँ पे ये डिवाइस नेम आ रहा है, यहाँ फाइल सिस्टम टाइप बता रहा है हमें, ये देखिए ये XFS है, ये LVM मेंबर है, ये यहाँ पे ISO की डिटेल्स दे रहा है हमें, ये ISO हमारी ये माउंट है इसलिए यहाँ पे ये दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये लेबल दिखाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे UUID की डिटेल्स हमें यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे ये माउंट पॉइंट का डिटेल्स। उसके बाद आते हैं LSPL के हाइफन ओ, हाइफन ओ का यूज हम लोग किस लिए करते हैं। हाइफन ओ से मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कॉलम का लेना है आपको प्रिंट, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे साइज का लिया है और नेम का लिया है, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा LSPL के हाइफन ओ, उसके बाद यहाँ पे साइज, उसके बाद यहाँ पे नेम। उसके बाद आते हैं LSPL के हाइफन एन, एन से क्या होता है ये हेडर को प्रिंट नहीं करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है LSPL के हाइफन आई, आई से हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमें यह मेजर नंबर है 8, सिर्फ मुझे 8 का ही प्रिंट करना है LSPL के हाइफन आई, उसके बाद यहाँ पे 8 का यूज़ करेंगे तो सिर्फ मुझे यहाँ पे सिर्फ 8 वाला मेजर नंबर का ही दिखाएगा। उसके बाद LSPL का हाइफन ई करोगे, ई से क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है 8, ठीक है, यहाँ मेजर नंबर जो 8 है उसको यहाँ पे प्रिंट नहीं करेगा, बाकी को प्रिंट करेगा। उसके बाद LSPL के हाइफन एस, एस से क्या होगा, जैसे कि ये हमारा ये डिस्क है, जैसे कि ये यहाँ पे देख रहे हैं SDA1, इसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, SDA के ऊपर है, ठीक है, ये डिपेंडेंसी दिखाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा ये VG है, ये किस पे बना है, SDA2 पे बना है, और इसकी मेन डिस्क क्या है, SDA है, ठीक है, ये डिपेंडेंसी दिखाता है। ठीक है, इसका उल्टा हाइफन डी करोगे तो यहाँ पे ये डिपेंडेंसी शो नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है LSPL के हाइफन डी, तो यहाँ पे ये हमारा ये डिपेंडेंसी शो नहीं किया है। या तो आप यूज कर सकते हो LSPL के हाइफन हाइफन नो डिप्स, उसके बाद यहाँ पे डिवाइस का नेम, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है डेव SDA का। उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन LSPL के हाइफन पी करोगे, कैपिटल में पी, तो यहाँ पे ये क्या करता है, जैसे यहाँ पे ये देखिए नेम, उसके बाद यहाँ पे SDA आ गया, मेजर नंबर माइनर नंबर, उसके बाद यहाँ पे ये दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं आरएम,
उसके बाद यहाँ पे ये इसका वैल्यू दिखा दिया की, और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू एक साथ शो करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है एल एस बी एल के हाइफन पी करोगे स्मॉल में, तो ये क्या करता है, ये डिवाइस की पाथ दिखा देता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, अभी मैं इसका यूज करके दिखाऊंगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है एल एस बी एल के हाइफन टी, टी से हमें क्या क्या आउटपुट मिल रहे हैं यहाँ पे। पहले यहाँ डिवाइस नेम आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे अलाइनमेंट की डिटेल्स देता है, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा ये मिनिमम आयो साइज बताता है, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या बता रहा है, ऑप्टिमल आयो साइज बता रहा है, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे हमें ये क्या बता रहा है, ये फिजिकल सेक्टर साइज बता रहा है, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या बता रहा है, ये लॉजिकल सेक्टर साइज बता रहा है, उसके बाद यहाँ पे क्या बता रहा है हमें, ये रोटेशनल डिवाइस की डिटेल्स दे रहा है, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या बता रहा है, ये आयो शेड्यूलर की डिटेल्स दे रहा है, उसके बाद हमें यहाँ क्या डिटेल्स दे रहा है, ये रिक्वेस्ट क्यू साइज के डिटेल्स दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो आर ए रीड हेड होती है डिवाइस की, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो डब्ल्यू सेम, ये क्या होती है, राइट सेम मैक्स बाइट। अगर आप एल एस बी एल के हाइफन एस करोगे कैपिटल में, तो यहाँ एस के जी के साथ यहाँ पे ये डिटेल्स देता है। यहाँ पे आप देख रहे हो एस सी टी एल, यहाँ पे पहले ये होस्ट होता है, उसके बाद यहाँ पे ये चैनल होता है, उसके बाद यहाँ पे टारगेट होता है, उसके बाद यहाँ पे ये रन होती है। आपको और ज़्यादा डिटेल्स में देखनी नहीं है तो आपको यूज करना पड़ेगा मेन, उसके बाद एल एस बी एल के, तो वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। अब मैं आपको इसका यूज करके दिखाता हूँ। अब दोस्तों मैं एल एस बी एल के कमांड का यूज करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिर्फ अभी एल एस बी एल के कमांड चलाता हूँ, एल एस बी एल के। तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमारी ये डिटेल्स आ गई, ये यहाँ पे हमें डिवाइस की डिटेल्स दे दिया, मेजर नंबर माइनर नंबर दिखा दिया, उसके बाद यहाँ पे ये साइज आ गया, टाइप आ गया, ये माउंट पॉइंट की डिटेल्स आ गई। ठीक है, उसके बाद यदि आपको ये साइज बाइट में प्रिंट कराना है तो उसके लिए यूज करना पड़ेगा एल एस बी एल के हाइफन बी। ठीक है, ये हमें ये बाइट में दे दिया। उसके बाद यदि आपको डिवाइस की परमिशन देखनी है तो उसके लिए यूज करना पड़ेगा एल एस बी एल के, उसके बाद यहाँ पे हाइफन एम। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए परमिशन आ गया हमारा। अगर आपको फाइल सिस्टम टाइप देखनी है तो उसके लिए यूज करनी पड़ेगी एल एस बी एल के, उसके बाद यहाँ पे हाइफन एफ। ठीक है, यहाँ पे फाइल सिस्टम टाइप दिखा दिया। अगर आपको डिपेंडेंसी के साथ देखनी है तो उसके लिए यूज करना पड़ेगा एल एस बी एल के, उसके बाद हाइफन एस। ये देखिए यहाँ डिपेंडेंसी के साथ दिखा दिया। अगर आपको बिना डिपेंडेंसी के साथ देखना है तो उसके लिए यूज करना पड़ेगा एल एस बी एल के, उसके बाद हाइफन डी। ये देखिए यहाँ पे ये बिना डिपेंडेंसी के साथ दिखा है, यहाँ पे ये डिपेंडेंसी के साथ दिखा है, यहाँ पे ये बिना डिपेंडेंसी के साथ दिखाया है। अगर आपको हेडर प्रिंट नहीं कराना है तो उसके लिए यूज करना पड़ेगा एल एस बी एल के, उसके बाद यहाँ पे हाइफन एन करोगे तो यहाँ पे हेडर ये प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपको डिवाइस नेम या साइज प्रिंट कराना है या इसमें से कोई भी ऑप्शन प्रिंट कराना है कॉलम में, तो आपको यूज करना पड़ेगा हाइफन ओ का। वो कैसे करते हैं, एल एस बी एल के, उसके बाद यहाँ पे हाइफन ओ, उसके बाद मुझे यहाँ पे ये नेम लेना है और साइज लेना है, तो यहाँ पे हम नेम डाल देते हैं, उसके बाद कॉमा, उसके बाद यहाँ पे साइज। ठीक है, ये सिर्फ हमें यहाँ पे देखिए ये नेम और ये यहाँ पे साइज प्रिंट कराना है। ठीक है, उसी तरह अगर आपको जिसको भी प्रिंट कराना है आप यहाँ पे ले सकते हो आईफोन ओ के साथ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, तो उसके लिए हम लोग प्रिंट करते हैं एल एस बी एल के। ठीक है, अब यहाँ पे हम चाह रहे हैं मेजर नंबर जो आप 8 देख रहे हो इसी को हमको प्रिंट कराना है। ठीक है, बाकी ये 11 देख रहे हो इसको हमको प्रिंट नहीं कराना है, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा एल एस बी एल के, उसके बाद यहाँ पे हाइफन आई कैपिटल में, उसके बाद यहाँ पे 8 डालना पड़ेगा। ठीक है, ये सिर्फ 8 को ही प्रिंट करेगा। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ ये 8 को प्रिंट किया है, जिसका मेजर नंबर 8 है उसी को यहाँ पे ये प्रिंट किया है। अगर आप चाह रहे हो जिसका मेजर नंबर 8 है उसको प्रिंट ना कराए, 8 को छोड़ के प्रिंट कराए, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा एल एस बी एल के।
उसके बाद यहाँ पे हाइफन ई, उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा 8। तो ये देखिए 8 को छोड़ के यहाँ पे ये प्रिंट करा दिया, जिसका मेजर नंबर 8 है उसको छोड़ के यहाँ पे सारा चीज़ हमें ये प्रिंट कर दिया। अगर आप चाह रहे हो एसकेजी डिटेल के साथ प्रिंट कराना तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा LSBL के, उसके बाद यहाँ पे हाइफन कैपिटल में S टाइप करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये हमारा एसकेजी डिटेल के साथ आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।